रुचि नयनाभिराम राधा ब्रजेन्द्र तनयो अभय रूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणा कृतकृष्ण देह तौ यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य शिवक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे उलंगसिन्धो सलिलं सलीलं यशो कवन्हिं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाहलं मामितं प्राञ्जलि आञ्जलि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णम् अनंत सत्यम् तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्री मलुकपीठ महाराज श्री की जय पूज्य श्री गोरीलाल कुंज महाराज श्री की जय पूज्य श्री जगतगुरु महाराज श्री की जय पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज श्री की जय सभी संत हरि भक्त वृंद की जय 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 श्री राधे हरिबो। इतने सब महापुरुषों के मध्य में कुछ भी कहना अनुचित है और पूज्य महाराज श्री की कथा का प्रवाह चल रहा है उसमें हम सब अवरोध ही कर रहे हैं। महाराज जी ने पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज जी ने कहा कि आप खूब जोर से बोलो, तो मैंने कई और तो और जोर से बोलने को तो अवकाश नहीं है, श्लोक ही जोर से बोल दे। क्योंकि श्लोक इस श्लोक में भी रहता है और उस श्लोक में भी पहुंचा देता है और जीवन के सारे शोक भी समाप्त कर देता है। शोक ही श्लोक भी कई बार बन जाता है, तो सभी शोकम श्लोकत्वमागत, इसलिए सब भावों को युक्त करके मैंने ये वृंदावन की और हनुमान जी की स्तुति मात्र कर दी। व्यासपीठ पर हनुमत कथा के गायन के लिए स्वयं श्री महाराज जी विराजमान हैं, तो ऐसा ही लग रहा है आपको देखकर कि साक्षात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आपके रूप में बैठकर हनुमान जी की कथा गा रहे हैं। उन्हीं की कृपा मूर्ति विराजमान है। मेरा पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से कई बार मिलन और वार्तालाप हुई, खूब बार संवाद हुआ, आप खूब कृपा पूर्वक पधारे
और अनेकों बार योजना बनने पर मैं यहां पहुंचने लायक न हो सका, पर एक लंबी प्रतीक्षा और एक लंबी तपस्या के पश्चात ऐसा होता है जब घर के बड़े आ जाते हैं तो छोटों को आना आसान हो जाता है। महाराज जी आ गए, सब संत आ गए तो अपने आप काम बन जाता है। महाराज श्री हनुमान जी के दर्शन का लाभ मिला। पिछले 4-5 साल में 2-3 चीज वायरल हो गई। एक 2 साल पहले कोरोना वायरल फैला, इस समय बागेश्वर धाम वायरल फैला। वो शरीर में फैल रहा था, ये मन में फैल रहा है। और सही बात ये कि जब वो फैला था तो असावधान व्यक्ति चला गया था और सावधान बच्ची व्यक्ति बच गया था। ये भी जो फैला है उसमें जितने इधर उधर वाले हैं वो सब चले जाएंगे, जो सही सही वाले हैं वो सब इकट्ठे हैं। ज्यादा स्पष्ट मैं नहीं कर सकता, पर इशारे में जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं। इसलिए बस एक फर्क और है कि वो छूने से फैलता था, ये नहीं छूने से फैलता है। महाराज आपकी दृष्टि पड़ जाए सुनने से फैलता है। ये तो खैर विनोद की बात रही, एक भाव की बात रही, पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए, आज पूज्य प्रातःकाल मलुकपीठ महर्षि भी इस बात को कह रहे थे कि भगवान स्वयं ही किसी न किसी स्वरूप, किसी न किसी पात्र का चुनाव करके स्थान का प्रकाश करते हैं। हम लोग स्वयं इस बात के अनुभवी हैं। वृंदावन ब्रज क्षेत्र अनादिकाल से स्थित है, पर 500 वर्ष पहले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आकर उसी साथ उसी क्रम में पूज्य श्री गोरीलाल कुंज महाराज जी विराजमान है, जो वृंदावन का कुंजीय परिवेश है। ये सब श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिदास महाप्रभु, ये सब संतजन श्रीमन महाप्रभु आकर अनादिकाल से स्थित ब्रजमंडल को किस प्रकार पुनः प्रकाशित पुनः स्थापित कर देते हैं, ये एक बड़ी ऐतिहासिक और प्रमाणित और हम सब लोगों के द्वारा पालित की हुई बात है। ऐसे ही पूज्य श्री सन्यासी बाबा, श्री बागेश्वर धाम, श्री हनुमान जी, श्री महादेव अनादिकाल से इस क्षेत्र में स्थापित होंगे, परंतु जैसे रात्रि के अंधकार के बाद जब प्रभात में भुवन भास्कर प्रकट होकर अपनी आरुषि का स्पर्श करके विकुचित हुए पुंडरीक को विकसित कर देते हैं, तदनुरूप ही आज अनेकों वर्षों के बाद ये धीरेन्द्र कृष्ण जी रूप सूर्योदय ने बागेश्वर धाम का फूल खिला दिया है। और जब कमल खिलता है तो भौरों को न्योता नहीं देना पड़ता, पवन देव उसकी सुरभ्यता व्याप्त कर देते और भवरे अपने नीड़ों का परित्याग करके अपने आप उसके ऊपर गुंजायमान होने लगते हैं। बस जैसे ही यहां का फूल खिला है तो भौरों में भवर प्रधान महाराज जी मंच पर बैठे। हम सब लोग भमर क्षेत्र ज्ञान गुदड़ी के ही हैं, जहां गोपियों ने भ्रमर के रूप में इस प्रेम का प्रकाश कराया है, वो सब जन यहां उपस्थित होकर इस स्थान का अनुमोदन कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास है क्या। संत अपना सब अपनी अपनी जुगाड़ में लग रहे हैं, कोई सिद्धि कहता है, कोई प्रसिद्धि कहता है, कोई केवल एक प्रकार से की हुई व्यवस्था कहता है, कोई कृपा कहता है, कोई माइंड रीडिंग कहता है, भैया बहुत अच्छी बात है, कोई कितनी भी माइंड रीडिंग। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहूं, इस प्रकार चमत्कार दिखाना, इस प्रकार की क्रियाएं करना इस देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। अनंत काल से ये परंपरा यहां पर
अवस्थित हुई है और वर्तमान समय में भी अनेकों लोग ये कार्य कर रहे होंगे। मेरे हृदय में जो मूल आकर्षण का विषय है वो आपके द्वारा किया गया चमत्कार कम है, बल्कि आपके द्वारा किया जाने वाला आचरण प्रधान है मारे। ये सब बता करके भी कहीं विदेश में घूमने नहीं जा रहे कि भाई हम चलो अपना चार्टर लेकर के डोल डाल के आवे। सबको कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी की शरणागति करो, स्वयं भजनानंदी रह करके सबको भजन के रस में प्रवृत्त कर रहे हैं। ये जो किसी भी आकर्षण के माध्यम से जो आचरण की प्रधानता स्थापित हो रही है, पूज्य महाराज जी बता रहे थे हजारों लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया। भैया बताओ, हम सब लोग सैकड़ों सालन थे, हमने गले घिसडारे बूर बूर के, कोई ना मानो, इनने एक मुदगर घुमाई करके सबन ने मनवाई दिनो। तो ये आचरण की जो प्रधानता है, क्योंकि एक बात तो पक्की है, कोऊ कोऊ से डरे न डरे, पर बड़े से बड़ो भूतते तो जरूर डरे ही है महाराज। इसलिए ऐसी लीला कर करू के आचरण की जो आपने, आपके स्वभाव की जो प्रधानता है, छोटा सा व्यक्ति नेक सा यश पाले उसकी बोली में कड़ाई आ जाती है, जरा सा ऊपर बैठ जाए तो नीचे बैठने में संकोच होने लगता है, जरा 5000 आदमी स्वागत को आ जाए तो बाहर आने में भी वो सोचता है कहां बनाया जाए, कई कई जगह तो बुलाया जाए तो पहले ही खबर आ जाती है भैया आसन कहां लगेगा, कितना बड़ा लगेगा, कितना ऊंचा लगेगा, कितना नीचा लगेगा। महाराज जी, एक बार मैंने किसी को बुलाया तो खबर आई, भैया इनका आसन व्यासपीठ से ऊंचा लगेगा कि नीचा लगेगा। मैंने कहा कितना भी लगा लो भैया, व्यासपीठ ऊंचाई नीचाई नहीं, चौड़ाई देखती है महाराज। कोई नीचे भी बैठा हो तो चौड़ाई में मैदानों को भर सकता है, और कोई ऊंचा भी बैठा हो तो बेचारा अकेला बैठ के बोर के चलो जाए, कौन महत्व दे रहा है हमारे। इसलिए आपके ये जो विशुद्ध आचरण की प्रधानता है वो एक बहुत समाज के लिए अनुकरणीय विषय है। और तो सब इनकी सिद्धि है, प्रसिद्धि है, बुद्धि है, और इनके ऊपर श्री सन्यासी बाबा की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। एक बात तो और बिल्कुल स्पष्ट है, और कुछ हो ना हो, ईमानदारी से प्रार्थना की जाए तो कृपा में बहुत सामर्थ्य होती है, वो सब कर सकती है। मूकम करोति वाचालम, ये तो जो आप कार्य कर रहे हैं शास्त्रों में तो बड़ा स्पष्ट कहा है, मूक को वाचाल बना दे, पंगुम लंघयते गिरिम, विकलांग बड़े बड़े गिरी को पार कर जाए। यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, कृपा की ऐसी महिमा है माधव की कि मूक बोलने लग जाए, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए, तो जिसके ऊपर कृपा कटाक्ष भाजनम, भगवत कृपा का परिमार्जन हो जाए, परिवर्षण हो जाए, वो क्या कार्य नहीं कर सकता। मैं स्वयं परम अभिभूत हूं, पर अभिभूत का अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जगत गुरु जी बोले कि मैं अभिभूत होकर कुछ नहीं बोल पा रहा, मैं अभिभूत होकर बोले ही चला जा रहा हूं। दोनों ही अभिभूत होने के परम प्रभाव हैं, पर उस भाव का स्मरण करता हुआ मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा बोल गया तो इस बार मैं ही मरूंगा, मुझे ही पहुंचना है जल्दी से आगे। इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सब उपस्थित वैष्णवों को बारंबार प्रणाम करता हुआ, जो हिंदू राष्ट्र की मंगल परिकल्पना आचार्य जी ने की है, ये तो भारत की मूल धारा है, यहां हिमालय का ही और समुद्र को संस्कृत में इंदु कहते हैं, हिमालय से लेकर समुद्र तक प्रत्येक क्षेत्र हिंदू है, उसके बीच का स्थान हिंदुस्तान है। अरे इंसानों की बात छोड़ो, यहां रहने वाला कीट पतंग भी हिंदू है, यहां रहने वाला पाषाण भी हिंदू है, अफ्रीका के शेर को अफ्रीकन लॉइन कहते हैं, बंगाल के बाघ को बंगाल टाइगर कहते हैं, ऐसे ही यहां जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत रूप से हिंदू ही है जो हिंदुस्तान में जन्म ले गए। बस वो उस बात को स्वीकार कर ले तो इस देश की परम परिकल्पना स्थापित हो जाएगी। मैं कोई ज्यादा सोच साझ के नहीं आया था, फिर भी बागेश्वर सरकार ने वाघ पर बैठकर जिस वाणी का विलास आस्वादन करना चाहा, वो वाघ पुष्पांजलि तद चरणों में समर्पित करता हुआ, कोई धृष्टता हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हुआ, महर्षि को मेरी वजह से धारा में व्यवधान हुआ उसके लिए बारंबार बारंबार क्षमा याचना करता हुआ, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से वृंदावन से आया हूं तो एक और निवेदन करता हुआ कि कभी
वृंदावन में भी भव्य आयोजन का स्वरूप बने तो आनंद होगा। यहां तो ये पागल इकट्ठे करते हैं, वहां तो पहले से ही पागल डोरते हैं महाराज। वृंदावन पागलों की नगरी है। हमारे दादाजी क्यों करते, कोई दिमागी पागल हो तो पागल खाने चलो जाए और कोई दिली पागल हो जाए तो वृंदावन आ जाए महाराज। आप सब वहां पधार कर कृपा करें, बारंबार प्रणाम करता हूं, विश्राम करूं। बोलिए शिवागेश्वर धाम।